वो सब हमने सुन लिया अभी लेकिन जो न्यूज़ या जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से उस पर क्या उस पर क्या जानकारी है अभी तक अरविंद कहाँ है दाऊद इब्राहिम अभी उनका उनका तबीयत कैसी है क्या वो जिंदा है इस पे बताइए नहीं देखिए दाऊद इब्राहिम फिलहाल कराची में ही मौजूद है शिव और सुबह से ही जिस तरह से कल रात से ही इनफैक्ट जो ये अफवाह फैली कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है किसी ने उसे पॉइजन दे दिया खुद जो पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है आरजू काजमी उसने ये क्लेम किया ऑल दो अभी आ, कुछ देर पहले जब आ, हमने आ, खुद डी गैंग से बात की डी गैंग के क्लोज एसोसिएट से बात की दाऊद के करीबी से बातचीत की उसने पूरी तरह से इस खबर का खंडन किया बको बताया उसके अलावा इंडिया टुडे की टीम ने इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिशियल से बात की उनका भी यही कहना है कि ये जो खबर है ये पूरी तरह से गलत खबर अभी तक जो चूंकि जिस तरह से इंटरसेप्ट करते हैं वो कराची और पाकिस्तान में जो इंडिया से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन है yes. उनको उनका कहना है कि ये पूरी तरह से गलत खबर है और जब आरजू को हमने कंफ्रंट किया तब वो भी बैकफुट पे आए उनका कहना है कि नहीं बिल्कुल इसकी जांच नहीं चाहिए कि आखिर खबर किसने उड़ाई तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सुबह से इंडिया टुडे की टीम ने दाऊद के बारे में जानकारी जानने के लिए से बात की। उनका कहना है कि इस में कोई दम नहीं है बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हुए हैं और अननोन गनमैन की जिस तरह से दहशत है पाकिस्तान में बहुत मुमकिन है कि दाऊद इब्राहिम आई एस आई के साथ ना कहीं कही डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो उसके अलावा में मौजूद है उसकी मौजूदगी वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस ऑडियो टेप में बातचीत में नंबर एक नंबर दो जेद्दा में जेद्दा में रहने की बात भी इसमें सामने आई है कि कभी वो जेद्दा में रहा था और क्योंकि पाकिस्तान की

एसोसिएट ने बल्कि जावेद मियादाद Uh, you know, whose son is married to Daud Ibrahim's daughter. Javed Miyadat has said that he will not comment on this issue at all. Uh, of course, this could well be Pakistan's agencies. Trying to wash their hands off Daud Ibrahim Kaskar. They simply want to uh, say that he's he's no, no longer a threat to mm. India or he's no longer there. They tried to do that with Sajid Mir, yeah. and not once, but repeatedly. 2611 Mumbai terror attacks mastermind Pakistan claimed at least thrice that Sajid Mir was dead, but each time he was uh, alive, he was, uh, you know, when FATF scrutiny started, they put him in jail. And now again, they said that he's been poisoned in prison and he's in hospital. So, with Pakistan, you never know because, as Imran Khan put it, Pakistan could sell their own mother hmm. or kill their own mother for money.